हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गोस्वामी और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेट मंत्रा में। दोस्तों, आज की वीडियो एक प्रैक्टिकल वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फीमेल डॉग के यूट्रस को पायोमेट्रा के केस में कैसे फ्लश किया जाता है, कैसे उसे साफ किया जाता है। पायोमेट्रा का मतलब होता है फीमेल की बच्चादानी में यूट्रस में पस का भर जाना, और जिसकी वजह से उसमें लोकलाइज इन्फेक्शन से जनरलाइज इन्फेक्शन हो जाता है और उसमें पस गिरने लगता है, म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होने लगता है, बीच में खाना पीना छोड़ देना या फिर बार बार कंटिन्यूसली वॉमिटिंग करना, ये उसके कॉमन साइंस और सिम्टम्स होते हैं। इसका ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स आप दे सकते हैं, और साथ में ही यूट्रस की सफाई जो होती है, फ्लशिंग जो होती है, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइए आज आपको हम यूट्रस की फ्लशिंग कैसे करते हैं ये सिखाते हैं। उसके लिए आपको मेट्रोनिडाजोल, जो कि एनारोबिक बैक्टीरिया को किल करता है, और साथ में ही बीटाडीन का उपयोग लेना है जिससे ये यूट्रस एकदम से क्लीन हो जाता है। इसे आप 3 से 4 दिन तक अप्लाई करेंगे तो बिच का यूट्रस अच्छे से क्लीन हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक 5 ml की सिरिंज में IV सेट को कट करके एक ट्यूब बना लेनी है। ये पतली ट्यूब को आप सिरिंज के आगे लगा सकते हैं। अब उसके बाद में उस सिरिंज में आपको मेट्रोनिडाजोल या फिर पहले बीटाडीन भर लेना है। मैंने 3 से 4 ml बीटाडीन भरा है और फीमेल के वेजाइना से होते हुए इसको यूट्रस में इंसर्ट किया है, जिससे ये बीटाडीन अंदर जा कर के यूट्रस को फ्लश करेगा, क्लीन करेगा। जैसे ही यूट्रस के अंदर ये बीटाडीन जाएगा, एक बार बाहर आ जाएगा, जिससे ये फ्लश करके बैक्टीरिया को या फिर पस को साफ कर देगा। उसके तुरंत बाद हम यहाँ पर मेट्रोनिडाजोल से भरी हुई सिरिंज को इंसर्ट करेंगे। मेट्रोनिडाजोल एनारोबिक बैक्टीरिया को किल करता है और ये भी यूट्रस को की सफाई करने में बहुत ही कारगर रहता है। इस टाइप से एक छोटी सी प्रोसेस के थ्रू आप बिच के यूट्रस को क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद में अगर बिच में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप करना चाहें, जैसे कि ये वॉमिटिंग कर रही थी तो हमने वॉमिटिंग के लिए इंजेक्शन लगा दिया इंट्रामस्कुलर, और साथ में इसे 3 से 5 दिन के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में रखा है। तो ये एंटीबायोटिक की जो चॉइस है वो डॉक्टर पर डिपेंड करती है कि वो किस टाइप के एंटीबायोटिक्स लगाना चाहते हैं और किस टाइप का इन्फेक्शन, किस डिग्री का इन्फेक्शन डॉग को हुआ है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।